Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to represent you ignou solved assignment Lse-2 ecology. इसमें आपको सभी questions के answer easy तरीके से बताए गए हैं. Question paper में जितना भी कुछ पूछा गया है उसको to the point और easy तरीके से बताया गया है ताकि आप इसे आसानी से अपना assignment तैयार कर सकें. आपको किसी भी question को समझने में या उसका आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सॉल्व असाइनमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब द अडैप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू टेम्परेचर एक्सट्रीम्स. आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट adaptations in plants and animals, जो कि है thermal migration, second diurnal migration, third production of spores and cyst, fourth removal of water, fifth hibernation, sixth estivation and seventh homeothermy. तो पहले हम thermal migration की definition देंगे, फिर उसके बाद डायर्नल माइग्रेशन की, देन सिस्ट क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये लिखेंगे. उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर एंड ट्रू हाइबरनेशन, सूडो हाइबरनेशन के बारे में लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे. देन एस्टिवेशन की डिफाइन लिखेंगे, जिसे कि समर स्लीप भी कहते हैं, और उसके एग्जांपल्स देंगे. उसके बाद होमियोथर्मी और वार्म ब्लडनेस को डिफाइन करेंगे. सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ एयर. एक लेबल डायग्राम बनाना है और उसके जरिए हमें ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ एयर समझाना है.
डायग्राम के बाद हमें ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ एयर के बारे में लिखना है। थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज दैट लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। कॉजेज बताने हैं इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के। फर्स्ट कॉज इज पॉल्यूशन, सेकेंड कॉज क्लाइमेट चेंज, थर्ड लैंड क्लियरिंग, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन डिक्लाइन, फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट। प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में लिखना है। टू टाइप्स के प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड केमिकल। पहले स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में लिखना है, देन फिर केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में लिखना है कि वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। टाइप्स ऑफ एज पिरामिड बताने हैं ऑफ पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। उसके बाद हमें स्टेशनरी पिरामिड और एक्सपेंसिव पिरामिड के बारे में बताना है। कंस्ट्रक्टिव पिरामिड, उसके बारे में लिखना है हमें। सिक्स्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर एन अकाउंट ऑन द प्रोसेसेस इन सक्सेशन। सक्सेशन में जो भी प्रोसेस होते हैं उन पे हमें लिखना है।
primary succession. And then secondary succession. और उसके बाद हमें क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ के बारे में बताना है. सेवेंथ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन. प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करना है. एट्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, टेबुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटिंक्शन प्रोन स्पीशीज. एक्सटिंक्शन प्रोन स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक बताने हमें. सो आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स मेक स्पीशीज प्रोन टू एक्सटिंक्शन. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पुअर कंपिटिटर्स, सेकेंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. थर्ड हैबिटेट स्पेशलिस्ट. फोर्थ पोजीशन इन फूड चेन. फिफ्थ लार्ज मैमल्स. सिक्स्थ एल्ट्रुइस्टिक स्पीशीज. सेवेंथ स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन. एट्थ लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. नाइन्थ क्लंपिंग. क्वेश्चन नंबर टू, मेक क्लियर एंड लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ बायोस्फीयर. वर्टिकल डायमेंशंस ऑफ बायोस्फीयर का एक डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम. सेकेंड डायग्राम बनाना है हमें, डिफरेंट साउंड्स इन डेसिबल स्केल.
तीसरा डायग्राम हमें नाइट्रोजन साइकिल का बनाना है। फोर्थ डायग्राम में हमें इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन प्लांट्स दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिटेल्ड अकाउंट ऑन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के पार्ट पे हमें डिटेल्ड अकाउंट लिखना है। फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके आंसर में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बताना है, जैसे कि सॉइल टेक्सचर, सेकंड सॉइल स्ट्रक्चर, थर्ड सॉइल पोरोसिटी, उसके बाद हमें सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC। सेकेंड है सॉइल रिएक्शन pH। सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बताना है इसमें हमें। पहले हम वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताएंगे आंसर में, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एंड टेम्परेट फॉरेस्ट।
boreal forest. देन हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बताना है.